warahmatullahi wabarakatuh. ये स्टैंड तुहाडा ते इमरान खान ही बनया अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ली وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَغْفِيٍّ وَلَا مَوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين यदि ना सैटिंग ऐसी करो मेरा गला बैठा है गले नूं ना पवे अपनी मर्जी दी जिवें दी मर्जी सैटिंग कर दिओ साहिबो और साथियो हमा किस्म दी हमदो सना तमाम किस्म दी तारीफात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात इकाई यकताई किबरियाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते जेड़ा पूरी कायनात दा माली के खाली के राजी के दाता ए गंज बख्शे रंज बख्शे लज पाल ए गरीब नवाज ए कायनात दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शयिन कदीर फ़ाल उल्लिमा युरीद नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब बहुअल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद जिदी जात सिफात कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं अजल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा और कल कियामत दे दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी दुरुदो सलाम इमाम कुल खत्म रसुल दनाए सुबुल इमामुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार तेरे ते मेरे दिला दी बहार जनाब व सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह गज के यार नबी पाक ते दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहो जेड़े भाई पंडाल चो बाहर खड़े ने इन्हां के गुजारिश करांगा अंदर आ जाओ
भाई शरीफ यार तू आप ही बाहर खलोते हैं, जेड़े पीछे पीछे बैठे हो अगे आ जाओ यार, अगे हो जाओ, पीछे धुप आ गई है। नबी पाक ने फरमाया अद्धा धुप्पे तो अद्धा छावे नहीं बहना चाहिए, अगे आ जाओ, हो जाओ हो जाओ, अगे कुछ नहीं होंगे। तुसी आखोगे मौलवी मुसीबत ही पाई है भाई, कभी गांह कभी पिछा, नेड़े नेड़े हो जाओ, क्योंकि जिथे अल्लाह तो उहदे रसूल की गल हुंदी होए उत्थे जगह खाली नहीं छड़नी चाहिए, उस जगह ते शैतान कब्जा कर लैंदा। साथियों और दोस्तों, जिस तरह तुसी वेख रहे हो बल्कि देख चुके हो, मेरे नाल हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब हाफिज़ाउल्लाह तआला तशरीफ फरमा ने और मौलाना कारी हफीज़ुल्लाह साहब भी तशरीफ फरमा ने। मैं ये प्रोग्राम का इनाकाद भाई शरीफ साहब कीता है, उन्होंने वालिद साहब फौत होए सन कोई महीना डेढ़ डेढ़ महीना पहले। दुआ करो अल्लाह उहदे वालिद की कबर नू जन्नत का बाग बनाए, जन्नत का बगीचा बनाए, जन्नत की क्यारी बनाए, उची आमीन कह दे। और अल्लाह उलामा दा प्यार मेरे नाल करना भी कबूल फरमाए। तुसी अहबाब मेरे तो कबल बड़े बड़े जय्यद उलामा इकराम खुताबा इजाम दे अपने इलाके दे उलामा दे खिताब सुन चुके हो, और मेरी आखिरी तकरीर है। इस तो बाद उन खतीब होर बोलो कोई नहीं। मेरे जिम्मे जो मौजू लगाया गया है वह है जी वफातुन नबी बसिलसिला फिक्र आखरत, यानी फिक्र आखरत भी बयान करनी है तो नबी पाक की वफात भी, और भाई नबी की वफात ही फिक्र आखरत है, आका की जिंदगी जड़ी है वह भी आखरत का फिक्र दिलाती है, तो वफात भी बोलो तो सही आखरत का जिक्र दिलाती है। और आइए नबी पाक की हदीस सी ना, फरमाया सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, कुर्बे क़यामत ती झूठे नबी आउणगे अल्लाह तो बाद नबी पाक तो बाद। फरमाया कुल्लुहुम यज़ामू, सारे दे सारे झूठे आउणगे, ती बंदे नबूवत का दावा करनगे सारे झूठे होणगे। फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी या बादी, मेरे तो बाद दूजा नबी आना बोलो हूँ ला नबी या बादी। एदे ते उलामा ने लिखे है इन अल्फाज तो पता चलता है कि आका ने दुनिया तो एक ना एक दिन जा के रहना है, और किदों आका दुनिया तो गए, बारह रबीउल अव्वल का दिन ने, सोमवार का दिन ने, तो मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम की जिंदगी का सूरज इस दुनिया तो हमेशा वास्ते गरूब हो गया है। और लोगो ओ जात इत्थे नहीं रही जिदे वास्ते कायनात सजाई गई सी, जिदे वास्ते दुनिया बनाई गई सी, जिदी इतात वास्ते तेनू ते मैनू पैदा किया गया सी, ओ जात दुनिया ते नहीं रही, ते तू मैं भी रहना बोलो यार। मेरा ना मुसलसल प्रोग्राम तकरीर कर कर गला बह गया है, मेरा साथ नाल नाल दे जाओ, बोली जाओ जरा तू मैं रहना नहीं। आओ कुरान दियां मिसाल चंद दियां, असाबे काफ बाद ने किया तीन सन, बाद ने किया पांच सन, बाद ने किया सात सन, अठवां कुत्ता सी। इन्हें 309 साल कुरान कह रहा सुते रहे, 309 साल तो बाद इन्हों भी मौत आ के रही है, आमनी नहीं आ के रही है। नबी उजैर 100 साल तक अल्लाह पाक ने नींद की अगोश च रखे है, जिन्हों मौत की अगोश भी किया जाता है, तो 100 साल बाद नबी उजैर नू पुछिया है उजैर किन्नी देर इतने ठहरे हो, फरमाया एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हूँ नबी नू इलमे गैब नहीं कि मैं इतने किन्नी देर ठहरिया, गुस्सा नहीं करना, तासुब की एनक ला के बहना, यह नहीं कहना ये भाबियों का मौलवी यदि गल नहीं सुननी, यदि हर गल का गुस्सा करना, नहीं गल किसी को भी मिल जाए कुरान के अधीज की मिल जाए मान लेनी चाहिए। हूँ नबी नू नहीं पता कि मैं किन्नी देर ठहरिया, नबी नू इलमे गैब नहीं। तो अज के पीर दियाँ बिलियां भी जानदिया ने कि किन्ने घर परौने होने ने, उन्हें कहा पीर जी बिली दे भला कल मेरे घर मेहमान आ रहे, घर जाकर बिल्ली ने कहा बिली है दस किन्ने परौने आने,
उन्हें अठर ही म्यों किया, परौने नौ आ गए। उन्हें कहा पीर जी तुहाडी बिल्ली भुल गई है। आख्या बिल्ली नहीं भुली, नौवां भाभी सी कमलिया भाभी है, भाभी नूं साडी बिल्ली नहीं मनदी। तो लिहाजा नबी नहीं जानता कि मैं कितनी देर सुता रहा। और बाद साढ़े भाई आते ने उजैर नूं भी फिर मौत बोलो आई है। बाद साढ़े भाई आते ने नबी पाक के बारे मौत का लफज बोलना नबी की तुहीन है। यदि आवाज खोलो यार, बहुत ज्यादा खिंचन दिया गले। नबी की तुहीन है कि नबी नूं मौत आई है कहना। आइए कुरान को पुछने हैं। कुरान ने चंद नबिया का तारफ करवाया है जिन्हां दे बारे कुरान ने मौत का लफज बोलिया। की बोलिया? मौत का लफज। सब तो पहले ये है भी नबी है, बेटा भी नबी है, पोता भी नबी है, तो अगो अपना पुत्र भी नबी है। तो मौत इन्हों आ के रही है। ये नहीं कहना चाहिए नबी दे बारे मौत का लफज बोलना नबी की गुस्ताखी है। और भाई गुस्ताखी नहीं बल्कि नबी की शान है कि आका भी साड़ी तरह बशर सन। कुरान की कह रहे हैं, अम कुम तुम शुहदा आम इद हज़रा याकूब अल मौत इद काल अली बनी है मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका इलाह वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। फरमाया जदों मौत दा पैगाम आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे कोल, मौत दा फरिश्ता आया ते सामने खड़ा, ते नबी याकूब ने अपने बेटियां नूं कठियां कीता है ते सारे पुत्रां नूं कठियां करके की आंदे ने मेरे बेटियो इद काल अली बनी है माता बुदून मिन बादी, मेरे पुत्रो मेरे बाद इबादत किदी करोगे। ये नहीं किया पुत्रो मेरे को अंगूठे लवा लो तुहाड़ियां भैणां मेरे मरण तो बाद हिस्सा ना जायदाद चो लैन आ जाण। ये नहीं किया मेरा फलानी जगह प्लाट है, फलां बैंक बैलेंस है, फलां बंदे को मैं पैसे लैने ने, बल्कि की किया मेरे पुत्रो मेरे तो बाद इबादत किदी करोगे। ये जेड़े अगे खलोते ने ये बेटे भी नबी दे ने, पोते भी नबी दे ने, पड़पोते भी उची बोलो कि देने नबी दे पड़पोते ने जेड़े सामने खड़े ने। ते आंदे की ने कालू जमा दा सीगा, ए बेटे यारा बेटे सामने खड़े ने, आंदे ने कालू ना बुदू इलाहा का वा इलाहा आबाई का। फरमाया अब्बा जी असी इबादत तो दी करांगे जिदी इबादत साडे वड्डे करदे रहे ने, साडे बाप दादा करदे रहे ने, जिदी इबादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर दे रहे ने, जिदी इबादत इस्माइल ते इसाक कर दे रहे ने। अच्छा पुत्रो इलाह किन्ने ने? फरमाया इलाह वाहिदा। किन्ने इलाह ने? एक। हुण इत्थे मौत दा लफज किदे बारे आया है? हजरत याकूब दे बारे। आओ हुण मैं एक और कुरान दा मुकाम पढ़न लगा, इत्थे भी मौत दा लफज आया है। तो किन्ना बारे आया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे। बाद लोग आंदे ने ईसा फोत नहीं हुए, हज़रत ईसा ने कुर्बे क्यामत आना है, दमिश्क दे अंदर उतरना है। उस वक्त दमिश्क दी जामिया मस्जिद दा इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी इमाम महदी आउणगे, हज़रत ईसा नूं वेखणगे। हज़रत ईसा आ रहे ने, मुसल्ला छड़ के सैड ते हो जाणगे, कहणगे तुसी नबी हो, तुसी जमात कराओ, असी तुहाडे पिछे नमाज पढ़नी, क्यों तुसी नबी हो? हज़रत ईसा कहणगे मैं नबी बन के नहीं आया बल्कि मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। किदा उम्मती बन के आया? नबी दा उम्मती बन के आया। ते फरमाया ईसा दज्जाल नू कतल करन तो बाद उन्हां नू भी मौत होनी है। किथे लिखी है? काला इन्नी अब्दुल्ला
मेरे ईसा दुध पे पींदे ने ते जगां दे पीर दी अदी सुनाई सुनिया कुरान सुन ले आसमान तो आवाज आंदी है फरमाया मेरे ईसा दुध बाद चो पीवी पहले अपनी मां दियां पाक दामनियां दियां गवाहियां ते दे लेना ए बस्ती वाले आंदे ने मरियम ने जना कीता बिन बाप तो बच्चा किवें पैदा हो सकता है ओए मेरा रब चावे ते इस टेबल च भी जान पा सकता है मेरा रब चावे इस कुर्सी च भी जान पा सकता है ते फिर एक औरत च मेरा रब क्यों नहीं बच्चा पैदा कर सकता आसमान तो आवाज आंदी है मेरे ईसा जी 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 रब्बे जलील की हुक्म है फरमाया ईसा दुध बाद चो पीवी पहले अपनी मां दी पाक दामनिया दिया गवाहियां ते दे लै काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन अइनमा कुंत वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हैया वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु वयौम अमूतु वयौम अमूतु वयौम अमूतु वयौम उबअसु हैया पता की चलिया ईसा नु भी मौत बोलो आ के रहनी है ते जदों तेरे मेरे पीर दियां वारियां आईयां अल्लाह फरमांदे ने सोने ऐलान करके कह दियो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजे नहीं समझिया मेरा दिल करदा मैं कुरान पाक दा एक और मुकाम सुना दिया फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन कलब तुमाला आकाबिकुम वमैयन कालिबाला अकिबैये फलैया जुर्रल्लाह शैया वसाया जिजिल्ला हुशा करी हजे नहीं समझिया जदों एते नबी नू किया जा रहा है सोने तुसी अल्लाह दे रसूल हो एक गल च कोई शक नहीं के पूरी कायनात तेरी तात वास्ते बनाई गई है लेकिन सोने एक दिन तुसी भी ये दुनिया छड़ के मेरे कोल आ जाना है एक दिन तुसी भी ये दुनिया दे मेहमान ही हो तुसा भी मेरे कोल आ के रहना है ये ते नबी ने जदों तेरी मेरी वारी आई फरमाया कुल्लू नफसी ज़ाइकतुल मौत हर जान ने मौत दा प्याला चखना ही चखना है कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम हर शै ने इस दुनिया ते मिलिया मेट हो जाना है सिर्फ बचना ते इक तेरे रब दी जात ने बचना है और रब शुरू तो है वे ते शुरू आखिर तक रवेगा कौन अल्लाह अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ करारं वस्समाअ बिनाअं वसव्वरकुम फ़ासना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। और कुरान सुनन नू दिल करदा जे बोलो अजकल ऐसे ऐसे खतीब करी साहब मार्केट च आए ने तीन तीन घंटे तकरीर कुरान की कैद नहीं और कुरान मुकदरा ना पढ़िया जाता है किस्मत ना सुनिया जाता है कौन अल्लाह
हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन। ते अग्गे की किया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन अल्लाह? अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। तर्जमा हो जाए, तर्जमा। एक ही जात बाकी रहनी है, हर चीज ने दुनिया तो चले जाना है। ये दुनिया भी एक वक्त आना, खत्म हो जानी है। साइंसदान भी आते हैं, नबी वली और आलिम फाजिल। और पाक पतन दिया, पाक पतन लगता है कि जी कमीर आला लगता है, आरफ आला, आरफ आले दे बासिया तू मैं भी चले जाना है। इत्थे नबी नहीं रहे, वली नहीं रहे, इत्थे सहाबी नहीं रहे, ते तुसी मैं भी रहना। नबी वली होर आलिम फाजिल ते गुजरे नी चंग चंगेरे, ए मौत आई सब छोड़ इलाके ते कबरी जा की ते नी डेरे, ए चार दिहाड़े कोयल वासा। चार दिन दिया, चार दिन दी आ जेड़ा खतीबे पाकिस्तान आंदे हो, शेरे पाकिस्तान आंदे हो, ये चार दिन का खेड़ है, ये भी एक दिन मुक जाना है। ये चार दिहाड़े कोयल वासा ते होड़क एथों जाना, ओए कर कुछ कबर कयामत लई, आरफ वाले वाले आ, ओए कर कुछ कबर कयामत लई जिथे ही तेरा नित टिकाना। हर चीज ने दुनिया तो जाना है, गल दी समझ आ रही के नहीं? आज यार हौली हौली सुन लो, फिर कभी मौका मिले तो तुहाडी कसर पूरी कर देंगे। अज बीमार हाँ यार, मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे समेत जितने बीमार ने सब नू सेहत अता फरमाए। फरमाया हर चीज़ ने इत्थों जा के रहना। आइए मैं वफातुन नबी वल गल लै के जावा। मेरे नबी ने दस जी कादा नू ऐलान किया है कि असी हज करन जावांगे। ए मेरे नबी दी जिंदगी दा पहला ते आखरी हज है। 26 जी कादा नू ऐलान हो जांदे ने, सहाबा कट्ठे हो गए। 26 तरीक नू मेरे नबी ने गुसल करके हराम बन लिया ते मक्के दा सफर शुरू कर दिता है। 5 जुलहजा हुई है, आका मक्के पहुँच जांदे ने। मेरे नबी मक्के आए ना, आके उमरा कीता है ते हज 10 जुलहजा नू पढ़िया है। हज पढ़ के आका फारग हो ना, इधरों जिबरील आ जांदा है कुरान लैके, अल यौम अकमल तू लकुम दीनकुम व अतमम तू अलैकुम नियमती व रज़ी तू लकुमुल इस्लाम दीना। सोनिया तुआडे ते दीन मुकम्मल हो गया है। ये जेड़ा दीन मुकम्मल होया दे अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं, तुआडे ते दीन मुकम्मल कर दिता है। आज तो बाद नवा दीन नाजल नहीं होएगा। जेड़ा दीन बनेगा वह बिदत हो सकता है, दीन नहीं हो सकता। सोनिया दीन मुकम्मल हो गया। जदों ऐत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोना शुरू कर देंदे ने। सहाबा कहन लगे अबू बकर क्यों रो रहे हैं यार, के की गल है, क्यों रोना शुरू कर दिता ही कारी साहब? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहन लगे उलामा तशरीफ फरमा ने पूछिए इनसे, हजरत अबू बकर आंदे ने जेड़ी गल दा मैनू पता लग गया तुहानू नहीं पता चलिया। ओए सिद्दीक केड़ी गल ऐसी है जिदा ते तेनू पता लग गया सानू नहीं पता चलिया? फरमाया जदों दीन मुकम्मल हो जाया करदा फिर नबियां दियां लोड़ां मुक जाया करदियां ने। इधरों आका मदीने च वापस आए,
मेरे नबी ते कुरान लैके जिबरील फिर आ गया केड़ी सूरत आई इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फरमाया सोनिया महबूबा एक बंदे नू असी इख्तियार दिता है बेशक वो चाहे ते साडे कोल आ जाए अगर वो चाहे ते दुनिया च ही रह लवे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इख्तियार मिले है पर मेरे नबी ने दुनिया च रहना पसंद नहीं किया अल्लाह कोल जाना पसंद किया। अल्लाह अकबर कबीरा जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत उमर दी अदी एक रवायत याद आई हजरत उमर ने जदों अब्दुल्ला बिन अब्बास नू अपना वजीर बनाया है ते सहाबा ने इख्तलाफ किया उमर अब्दुल्ला छोटी जी उमर दा सहाबी है इत्थे इतने इतने बजुर्ग ते वड्डियां उमरां वाले सहाबी है ने उन्होंने वजीर क्यों नहीं बनाया। हजरत उमर ने ऐलान किया जिन्हें जिन्हें अब्दुल्ला दे वजीर बनन तो गिला शिकवा वो मस्जिद नबी च आ जाओ। मस्जिद नबी च कट्ठे हो गए हजरत उमर ने कुरान की यही सूरत पढ़ी है इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह। मेरे उमर कहन लगे दसो भाई इहदी तफसीर की है कोई सहाबी कोई तफसीर दसदा कोई कोई शान नजूल दसदा। हजरत उमर आमद ने अब्दुल्ला यार तू ही शाने नजूल दा सुना। मेरे अब्दुल्ला आमदे ने उमर जी ए सूरत जेड़ी है ए सब तो पहले नंबर ते मेरे नबी दी मौत दा सनेहा लैके आई है। हुण अकलमंद दनाब बाशऊर बंदे बैठे हो अकलमंद बैठे हो नबी दा सहाबी अब्दुल्ला की कह रहे है कि सूरत की कह लैके आई है मौत दा पैगाम ते अज असी कहीए नबी पाक नूं मौत आई जी वाबी दे गुस्ताख ने अस्तगफिरुल्लाह माजला नबी दा सहाबी भी फिर गुस्ताख है। अगे चलिए आका हज तो वापस आए ने मुहर्रम दा महीना गुजरे है सफर दा महीना लंघ जांदा है 29 सफर आ गई है 29 सफर नू मेरे नबी एक सहाबी का जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे ने ते रात दे अंदर मेरे नबी दे सिर दे अंदर दर्द शुरू हो जाती है ये दर्द जेड़ी है बुखार दी शक्ल इख्तियार कर जाती है। मेरे नबी 5 दिन तक अपने बीवियां दे घर चक्कर लगाते रहे अपनी अपनी बीवियां दे घर उन्हां दी वारियां ते चक्कर लगाते रहे ते जदों 5वां दिन आया मेरे नबी कोल ताकत मुक गई हैं। ए तीन रबीउल अव्वल दा दिन नहीं किन्नी रबीउल अव्वल दा तीन रबीउल अव्वल दा इधर मदीने च क्याम ते सुगरा बरपाए ते तेनू गलियां सजानियां पई गिजन दईयां ने नबी पाक तीन रबीउल अव्वल बीमार हो गए इतना सख्त बीमार होए आका कहन लगे कल किदी वारी है कल किदी वारी है परसों केड़ी बीवी दी वारी है। बीवियां आंदियां ने असी समझ गईयां कि नबी पाक अम्मा जी आशा दी वारी दा इंतजार पे करदे ने ते सारियां बीवियां ने इजाजत दे दिती सोनिया तुसी अम्मा जी ऐशा दे कोल चले जाओ। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी ऐशा दे घर आउंदे ने किवें आए सहाबा दे कंधियां ते हाथ रखे ने अड्डियां घसीड़ दे मेरे नबी अम्मा जी ऐशा दे घर आ जांदे ने आके चार पाई ते लेटे ने बुखार इतनी शिद्दत इख्तियार कर जांदा है कि मेरे नबी ने गुसल कीता आका नूं फिर गशी तारी हो जांदी है बेहोश हो जांदे ने। चलदियां चलदियां 8 रबीउल अव्वल दा दिन आ गया 8 रबीउल अव्वल ही सहाबा दे रो रो के अखां दे निशान पै गए ने कि साडे नबी नूं की हो गया है अज तेनूं जशन पे सोचदे ने तेनूं खुशियां पईआं सोचदियां ने मदीने च क्यामत बरपा होई है अज तू खुशियां मनाना फिरना इस नूं आका मस्जिद नबी च आए आके मिंबर ते बह गए सारे सहाबा नूं कट्ठियां कर लिया। फरमाया मेरे सहाबा जी जी अल्लाह दे रसूल की गल है। फरमाया मेरे सहाबा अगर मैं अपनी जिंदगी दे अंदर किसे दा दिल दुखाया है ओ मेरे कोलों अज दुनिया दे अंदर ही अपना बदला ले लवे। ए वे साडा नबी मौत दा वक्त करीब आया ते आका नूं बदले देन दियां पै गईयां ने
पिछलियां सफ़ा दे विचों एक सहाबी उठे है जिदा नाम हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला होवे। ये पिछलियां सफ़ा चो उठे कहन लगे सोनिया महबूबा तुसा बदर दे मैदान दे अंदर मैनू सोटी मारी सी सफ़ा सीधियां करवांदियां। आका फरमान लगे अगे आ जा अपना बदला ले लै मेरे उम्र दा हथ तलवार दी म्यान ते वे तलवार दे दस्ते ते आ जांदा है। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी असी किवें बर्दाश्त करिए साडे सामने उमर खड़ा होए ते तुहानू सोटी वज जावे। आका फरमांदे ने उमर दुनिया च बदले देने सौखे ने आखरत च बदले देने बड़े औखे ने। ए मेरा नबी ए हजरत उकाशा अगे आंदे ने कारी साहब हाथ दे अंदर सोटी फड़ा दिती जांदी है ते मेरा उकाशा आंदा सोने जदों तुसी मैनू सोटी मारी सी मेरी कमर ते कपड़ा भी कोई नहीं सी ते मेरे नबी ने कपड़ा फड़िया कुर्ता फड़ के उतां कर दिता। फरमाया उकाशा उंज मार लै जिवें मैं तेनू एक छड़ी मारी सी ये साडा पीर है जिन्हू बदले देन दियां पईयां ने। हजरत उमर ने अखां बंद कर लईयां सियाबा ने अखां बंद कर लईयां सियाबा ने अखां मीट लईयां ने। सोनिया ए ओ सियाबा नी मेरे आ वीरा जेड़े नबी दा थुक भी जमीन ते नहीं सन डिगन देंदे जेड़े मेरे नबी दे वजू दा पानी पी लिया करदे सन ते अज सोटी पेंदी किवें वेखणगे। अल्लाह अकबर कबीरा अखां बंद कर लिया अल्लाह अकबर कबीरा उकाशा अगां वधे ते मेरे नबी दे कोल आके उकाशा ने सोटी तोड़ दिती। फरमाया सोनिया अपने होंठां नूं नबी दी मोहरे नबूवत ते रख लिया है। आका फरमांदे ने उकाशा ए क्यों कम कीता ई। हजरत उकाशा आंदे ने सोनिया ए बहाना ते इस वास्ते कीता है कि मेरे होंठ तुहाडी मोहरे नबूवत चुम लैन कल क्या मत नूं इन्हां ते जहन्नम दी अग हराम हो जाए। ए अठ रबीउल अव्वल ते अज अठ रबीउल अव्वल ते की हुंदा है सड़कां दे अंदर ना डंडे ला के गड्डियां रोक रोक के चंदा दिओ जी बारह रबीउल अव्वल आ रही है। बारह रबीउल अव्वल नूं मेरा नबी फौत होया तेरे जशन मुक जांदे ने। मजा ते तां सी जे बारह रबीउल अव्वल तो अगां जशन मनांदा उधर नबी फौत होए इधर गलियां चो झंडियां भी लथ जांदियां ने डैक साउंड भी बंद हो जांदे ने। आ मुल्तान तुहाडे नाल है उत्थे एक लड़की नूं हूर बना के पेश कीता गया अहे जी हूर है। अल्लाह अकबर ओए हूर दी की शान अजमत पुछदे हो। नबी पाक ने फरमाया अगर हूर एक हूर अपना दुपट्टा आसमाने दुनिया ते जमीन ते लटका देवे ना ते तुसी फसाद फसादो फसाद बरपा दुनिया च हो जाए। अल्लाह एक दुपट्टे तो फसाद हो जाए। अल्लाह अकबर हक अल्लाह ए मदीने ते क्यामत छाईए। आका मिंबर तो उठते ने ते अम्मा जी ऐशा दे हुजरे च चले जाते ने। दस रबीउल अव्वल जोहर दी नमाज बाजुला मां ने लिखिया मगरब दी नमाज मेरे नबी ने आखिरी पढ़ाई है ते सियाबा इशा दी नमाज दा इंतजार करन लग जांदे ने के साडे नबी आणगे असी इशा दी नमाज पढ़ांगे। आका अले इस्लाम इशा दा वक्त होया मेरे नबी आउंदे ने वजू करवाया जांदा है। मेरे नबी वजू करके उठन लगे फिर बेहोश हो गए कमजोरी इन्नी आ गई है फिर वजू करवाया जांदा है। आका फिर बेहोश हो गए फिर वजू करवाया जांदा है। आका फिर बेहोश हो गए फरमाया बिलाल जा जा के अबू बकर सिद्दीक नू कह दे अज मुसल्ले मेरे ते खलो के जमात करवा दवे। अल्लाहु अकबर हक अल्लाह। दस रबीउल अव्वल है अगो यारह रबीउल अव्वल चढ़े है अगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल दस दिन का इतकाफ करते सन। जिस साल नबी पाक फोत होए ने आका ने भी दिन का इतकाफ किया अगे दस दिन का करते सन अज भी दिन का साल।
ते अगे मेरे नबी कुरान एक दफा साल च दुराया करदे सन, ते जिस साल फोत होए ने उस साल दो दफा कुरान दुराया है। ते जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन दस रबीउल अव्वल तो बाद ग्यारह रबीउल अव्वल चढ़ गई है, मेरे बिलाल ने अजान दी है, फरमाया सला सला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया महबूबा अम्मा जी आयशा दी पर्दे दी बारी बारी दे पर्दे दे कोल होके मुँह करके मेरे बिलाल ने कहा सोनिया महबूबा नमाज का टाइम हो गया है। आका फरमाते ने मुरू अबा बकरिन फल यू सली बिन नास। आयशा बिलाल नू कह दे जाके अबू बकर सिद्दीक नू कवे नमाज पढ़ा दवे। अम्मा जी आयशा फरमादियां ने सोनिया मेरे बाबे सिद्दीक दा दिल बड़ा नरम है, ओदे कोलों तुहाडे मुसल्ले ते नहीं खलोता जाना। फरमाया मुरू अबा बकरिन फल यू सली बिन नास। फरमाया आयशा अबू बकर नू कह दे नमाज पढ़ा दवे। फरमाया सोनिया मेरे बाबे दा दिल बड़ा नरम है, उन्हां कोलों तुहाडे मुसल्ले ते नहीं खलोता जाना, तुसी उमर नू कहो जमात करवा दवे। आका ने तीजी मरतबा फिर फरमाया मुरू अबा बकरिन फल यू सली बिन नास, जा जाके अबू बकर नू कह दे नमाज पढ़ा दवे। फरमाया सोनिया अबू बकर दा दिल बड़ा नरम है। जदों तीजी मरतबा एक गल कही है उलामा बैठे ने पुछो इन्हां कोलों, आका फरमांदे ने आयशा मैं नहीं कह रहा बल्कि अरशां दा खुदा कह रहा है, अल्लाह नू मेरे मुसल्ले ते सिद्दीक तो इलावा कोई होर वारा ही नहीं खांदा। मैं अपनी उम्मत नू ए सबक देना चाहना अगर मेरे तो बाद मेरे मुसल्ले दा वारस होएगा तो अबू बकर सिद्दीक होएगा। आ जिहड़े आंदे ने ना अबू बकर सिद्दीक ने अली कोलों खिलाफत खो के लई है, उन्हां कोलों एक सवाल दा जवाब ते पुछो जरा। उन्होंने कहो हजरत अली ने क्या मस्जिद नबी के अंदर अबू बकर के हाथ से बैत नहीं की? क्यों उलामा इकराम की है बैत? बैत बंदा उदो करता है जदों ये दिलों मने कि इस तो वड्डा इस तो वध के पीर इस टाइम दुनिया च कोई नहीं। अली ने अबू बकर अपना पीर मनिया, इमाम मनिया, खतीब मनिया, उदों के सहाबियां मनिया, अज के वहाबियां भी मनिया। आका बीमार इतने हो गए, बारह रबीउल अव्वल का दिन चढ़ जाता है, ये ग्यारह सी बारह रबीउल अव्वल का दिन चढ़िया, तो सुबह फजर का वक्त है। मेरे नबी ने ओ पुत्रो चुप कर जाओ, ओ चुप कर जाओ, अगर किसी नू मेरी तकरीर च कोई गल सख्त लगे बाद चो हवाला पूछ सकता है, मैं उदों तक इस पिंड चो नहीं जावांगा जब तक अपनी बात साबित नहीं कर देंगा। जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारह रबीउल अव्वल होया, मेरे नबी ने अम्मा जी आयशा दे हुजरे दी बारी दा परदा पिछा कीता है, फजर दी जमात खड़ी है, आका ने अबू बकर दी इमामत वेखी है, अपने सहाबा दा जम्मे गफीर वेखिया है, हजरत अबू हुरैरा पिछे खड़े सन, पिछे वजू वाली जगह ते खड़े सन, आंदे ने मैं नबी पाक चेहरे ते मेरी नजर पै जांदी है, आका अबू बकर दी इमामत वेख के मुस्कुराए, आंदे ने उन्हां दे चेहरे ते नजर मेरी पै गई, आका दा चेहरा इंज लगदा सी जिवें कुरान दा वरका है, कुरान दा वरका है। ते शैखुल कुरान कहना करना आया मुजम्मिल आया मुदस्सिर त्वाहा आया यासीन आया, दर्दी भुखियां दा साकी तिसियां दा बन के रहमतुल लिल आलमीन आया, सिराज आया मुनीर आया बशीर आया नजीर आया, रब कलिया नूरे मुबीन आया, कसम रब दी पुछ हुसैन कोलों कायनात तो वद हुसीन आया, उची आन वाला उची शान वाला सानू खबर ए मिली है पैगंबरां तो, जमीन वालियां दी की गल करनी शान लंघ गई है अगे अंबरां तो, जिदी मिले ना मिसाल जागे अंदर कोई निकल बार वेखे अंदरां चो, हुसैन हुब रसूल दी मिले जिसनू मैं वेखा कौन वदे ओदे नंबरां तो।
आमीना दे लाल दी गल मन के वेखो वेना तुहाडे तो गां कौन लंघदा है फिर मनो ते सही। बारह रबीउल अव्वल फजर दा वक्त है, इस तो बाद किसे सियाबी ने आका दा चेहरा नहीं वेखिया। ते अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने, जिन्हां हदीसां बयान कर रहे हैं सारियां सहीह बुखारी दियां, सुप्रीम कोर्ट दियां हदीसां जिहड़ी ज़ईफ भी हो नहीं सकदी। फरमाया अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, कालत आयशा त रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा तवफ़ियन नबीओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक जिदन फोत होए ने उदन फी यौमी वफी बैती बैना सहरी व नहरी। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, जदों आका फोत होए ने उदन घर भी मेरा सी, गोद भी मेरी सी, ते वारी भी मेरी सी। आका ने मेरी गोद के अंदर अपना आखिरी वक्त गुजारे है। ते आका फरमांदे ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा जी आयशा दी गोद च सिर रखिया है। इत्थे मसलक आले हदीस साबित होने लगा। अज क्या जांदा है, खावद फौत हो जाए बीवी ओदी मंजी नूं हाथ ना लाए। मैं क्या क्यों शाट पैंदी है, अगे पूरी जिंदगी ओदी मंजी विछांदी रही, हुण क्यों ना हाथ लाए। खावल फोत हो जाए बीवी हाथ ला सकती मंजी नूं, किथे लिखी है। ओए मंजी ते दूर दी गल है, बीवी खावद या खावद बीवी नूं गुसल भी दे सकदा है। उठाओ सहीहुल बुखारी। आका फरमांदे ने, आयशा अगर तू मेरी जिंदगी च फोत हो जाए मैं तेनू गुसल भी आप दया, मैं तेरा जनाजा भी आप पढ़ावा, ते मैं तेनू कबर च भी आप उतारा। ते कैसी गल है, कच्चे धागे नाल पीर 40 साल पुठा खूह च लमका छड़िया, उहदा कच्चा धागा नहीं टुटन दिता, इहदा 40-50 साल का नकाह भी तोड़ छड़िया। और नबी पाक सामने मलकुल मौत नू वेख रहे ने कि इजराइल सामने खड़ा है। आका नू पता है मैं फोत हो जाना है, ते आका अम्मा नबी पाक नू पता सी मैं फोत हो जाना, मेरी बीवी ते मेरे दरम्यान तलाक हो जानी है, ते मैं अपना सिर चुक के अम्मा जी आयशा दी गोद चो बाहर ना कढ लां। बोलते नहीं, गल की समझ आ रही कि नहीं? लस्सी पीने वाले लोग गल देर नाल ही समझ आती है। आका सिर बाहर ना कढ लेंदे, जेड़ी गल नबी नूं नहीं पता, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, अज दा मौलवी अज दे मौलवी नूं गल पता है। यानी जेड़ा दीन नबी ने साढ़े तक पहुँचाण च कमी कीती है, वह दीन नूं पूरा अज दा मौलवी कर रहा है। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, मेरी गोद दे अंदर नबी पाक ने सिर रखिया है, ते उधरों मेरा भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आ जाते ने, इन्हां दे हाथ दे अंदर मसवाक सी, आका दी नज़र मसवाक ते टिक जाती है। ते जेड़ियां समझदार बीवियां हुंदियां ने ओ खावंद दे इशारे ही समझ जाया कर दियां ने, ते जेड़ियां बेवकूफ हुंदियां ना उन्हां नूं एक तोनी दिने एक रात लगे तां वी समझ आउंदी। समझदार बीवी दुआ करया करो अल्लाह हर बंदे दे वस पाए। उची कह दियो कुवारे बोलन दे ने, व्याह वरे तुसी भी बोलो, की पता रब एक एक होर दे छड़े। पुत्र तुहाडा पहला होइए तो बड़ी गल है, तुसी आ भी नवें कही जांदे हो। आका अले सलातो वसलाम ने माँ जी आयशा दी गोद च सिर रखिया है। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, सोनिया मसवाक लै के दवा। फरमाया आका कोलों बोलिया नहीं जांदा, फरमाया सिर नाल सिर दा इशारा कीता हिला के, फरमाया हाँ आयशा मसवाक लै के दे दे। अम्मा जी आयशा ने मसवाक लै के दिती है, मेरे नबी ने अपने मुँह च पाई है, आका कोलों चिट्ठी नहीं जांदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, सोनिया मसवाक चित के दवा। फरमाया हाँ आयशा चित के दे दे। इत्थे इमामे बुखारी ने बाप बन दिता, बीवी दा जूठा खाना जायज। अज मसला पुछदे ने जी, 6 बाल हो गए ने, 18 साल विआह नूं हो गए ने, ते बीवी दा जूठा खा सकने आ? हुण ही तैनू मसला पेश आया। उठाइए सहीहुल बुखारी। मैं सहीहुल बुखारी दे इस वास्ते हवाले ज़्यादा दे रहा, मैं आप पढ़ाना वा अलहम्दुलिल्लाह। उठाओ सहीहुल बुखारी। आका फरमांदे ने, अम्मा जी आयशा कहंदियां ने, जिथों हड्डी नूं मूंह रख के
मैं चूस रही सो आमिना दे लाल चूसिया करते ना बीविया ना प्यार करया करो है बीविया ना प्यार भी करना खुशबुआ भी लाड़िया ने नमाजा भी और बोलो नमाजा भी पढ़निया ने जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा जी आयशा दे मुंह चो मसवाक कढ़ के धोती नहीं हत्ता के कोल ही पानी वाला डोल पिया है जिदे च नबी पाक हाथ मारदे हन ते मुंह ते मल लैंदे सन धोती नहीं आका ने उंजी मुंह च पा के करनी शुरू कर दिती है अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने अल्लाह ने मेरा ते मेरे नबी दा मेरे सिर दे साई दा मेरा ते मेरे सिर दे ताज दा आखरी वक्त भी साडा दोवां दा थुक कठियां कर दिता वे मसवाक कर ली फरमाया आयशा मेरी बेटी फातिमा नू बुला दे और तिया नू प्यो ना बड़ा प्यार हुंदा जे ते पुत्रा नू मावां नाल बड़ा हुंदा जे दुआ करो अल्लाह मेरी वालदा दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए ढाई महीने हो गए ने अगे निकलना करना करो ते मां जी दा फोन होना पुत्र किथे वे केड़ी जगह ते किथे सुते हैं ते पिछले हफ्ते भी पूरा हफ्ता करो बाहर रहा कि फोन नहीं आया ते अज भी अज चार तीन 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 दिन हो गए ने घरों बाहर एक फोन नहीं आया इन्हां दी कदर करो जिंदगी च जिंदगी च मरण तो बाद ते हर बंदे दी कदर मरण तो बाद ते बगानियां दी भी कदर आ जांदी है जिंदगी च करो फातिमा नूं बुलाया गया ये 12 रबीउल अव्वल दा दिन जे उठाओ इमाम उठाओ फतावा रिजविया अहमद रजा खां बरेलवी दी ओदे अंदर जिल्द नंबर 26 सफा नंबर 412 ते लिखदा है कि नबी पाक दी वलादत 8 रबीउल अव्वल नूं होई है ते वरकागा कर लै सफा नंबर 415 ते लिखदा है कि नबी दी वफात 12 रबीउल अव्वल नूं होई है ए 12 रबीउल अव्वल कियामत सुगरा बरपाए अम्मा जी फातिमा आईयां आका ने फरमाया फातिमा मेरे कोल अपना कन्न करना कन कीता गया ते अम्मा जी फातिमा गल सुन के नबी पाक दी उची उची रोन लग पईयां ते आका ने फरमाया फिर फातिमा कन मेरे कोल करना फिर कीता आका दी गल सुन के अम्मा जी फातिमा मुस्कुरान लग पईयां आका फोत होए अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने फातिमा तेरे कन दे अंदर तेरे बाबे ने की गल कीती सी अम्मा जी फातिमा आंदियां ने जदों मैं रोन लग पई सां उदों मेरे बाबे ने फरमाया सी फातिमा अज तेरे ते तेरे बाप दी जुदाई दा वक्त आ गया अज तेरा बाबा दुनिया तो जान वाला है ते अज दा मौलवी आंदा नबी पाक आन समझ दे थोड़ी देर आस्ते चंद मिनट आस्ते अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह नबी पाक कबर च जिंदा ने यह कहने का मकसद अल्लाह अकबर और जेड़े सहाबी नबी का वजू का पानी पींदे हो क्या जिंदा कबर च रख के आंदे सन बोलो अगे जाके दस ना सहाबा तो की बीती नबी पाक की वफात तो बाद ते दूजी दफा जो कन कोल कीता है फरमाया फातिमा सब तो पहले अल्लाह मेरी ते तेरी मुलाकात सब तो पहले करवाएगा सब तो पहले मैदाने मैशर च मेरी तेरी मुलाकात आंदियां मैं गल सुन के हसन लग पई और हजरत हुसैन फरमाते ने नबी नाने की वफात तो बाद 6 महीने साड़ी मां जिंदा रही ते 6 महीने असी अपनी मां नूं हसदिया नहीं वेखिया जदों वेखिया रोंदिया ही वेखिया ए 12 रबीउल अव्वल आका ने हाथ चुकिया आसमान वल कीता है फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला आका फरमांदे ने आयशा मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्त होया कर दियां ने उधरों दरवाजा खटखटा उधरों पुछन वाला पुछदा मन दक्कल बाब कौन है आका फरमांदे ने फातिमा ए ते ओ आ गया ही जेड़ा नहीं वेंदा किस खतीब दियां जमात
रात नू बड़िया लोड़ा ने हबीब रहमान यजदानी साहब दिया किनिया लोड़ा सन अलामा एहसान इलाही जहीर दिया किनिया लोड़ा सन ए नहीं वेंदा ए मां दिया जे पुत्रा नू बड़िया लोड़ा ने ए नहीं वेंदा इस बाबे दिया पुत्रा नू बड़िया लोड़ा ने इस प्यो दिया घर वालिया नू बड़िया लोड़ा ने ए ते आंदा ते लैके तुर जांदा अल्लाह अकबर कबीरा इधरों नबी पाक दा हाथ थले आना शुरू हो जांदा है अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मैं नबी पाक दा हाथ फड़ के अपने सीने नाल ला लेनी हां अल्लाह अकबर कबीरा मैं सीने नाल लाया ते नबी पाक दी जान निकल जांदी है आका अले इस्लाम दा सिर गोद तो चुक के मंजी ते रख देनी हां ते उत्ते चादर पा दित्ती जांदी है उठाओ सहीहुल बुखारी हजरत इमाम बुखारी आंदे ने जिहड़ी नबी पाक ते चादर पाई है ए यमनी धारीदार चादर सी इहदे ते कोई कुल नहीं लिखिया कोई कलमा नहीं लिखिया कोई सलात नहीं लिखिया इहदे ते आयतुल कुर्सी नहीं लिखी ए सादी चादर पाई है ए कौन जा रहा दुनिया तो जिहड़ा पूरी कायनात चो पा के ते अज असीं कुल्लां दी चादर किहदे ते पाने आ जिन्हें पता नहीं पूरी जिंदगी स्तंजा भी किया होंगे कि नहीं तो कुरान दे कुल कितने आते हैं पैरों के कितने आते हैं तो आयतुल कुर्सी कितने आती है शर्मगाह दे ते फतवे वाबियां ते लांदे हो गुस्ताखी दे ये गुस्ताखी नहीं कुरान दी गुस्सा नहीं करना एवं गुस्सा करके एवं दिल च गल नहीं रखनी करोगे भी तो मेरा की करोगे मैं तुर जाना तकरीर करके अपना ही खून साड़ोगे देखो नबी दी सीरत तुहाडे वास्ते आयना है तकरीर मिठी मिठी मैं भी कर सकना जोशीली मैं भी कर सकना लेकिन अज इस वास्ते ये तरज अपनाई तुहानू गल समझ आए और नबी ते जड़ी चादर पई है कोई कुल कुछ नहीं लिखिया ते हजरत अबू बकर नू पता चलदा नबी पाक फोत हो गए ने ते अम्मा जी ऐशा दे हुजरे चाहे ना आके नबी पाक दे मुंह तो चादर थले कीती है कारी साहब ओ मत्थे दा नबी पाक दा बोसा लिया ते फरमाया सोनिया ए मौत एक दफा ही होनी सी जेड़ी तुहानू आ गई है हुन नबी पाक नू मौत नहीं आएगी ते इमामे बुखारी इत्थे भी बाप बनता मैयत दा बोसा लेना जायज है जाओ किसी भी मौलवी नू पुछो मैयत दा बोसा लेना जायज ओ कहेगा जायज है हवाला है अजीज देगा ओनू कवन तुसी ते आंदे हो नबी पाक फौत ही नहीं होए बोलदे नहीं गल दी समझ आ रही कि काई ना नाले आंदे हो नबी फौत नहीं होए नाले आंदे हो 63 साल जिंदगी है नाले आंदे हो मैयत दा बोसा लेना मतलब मैयत दा मत्था चुमना जायज नाले आंदे हो नबी पाक फौत नहीं होए आइए अगे चलिए हजरत अबू बकर मस्जिद नबवी च जांदे ने उमर ने तलवार कढ़ी है मां माता रसूलुल्लाह जेड़ा केगा नबी पाक फौत हो गए ने उहदा फैसला उमर दी तलवार करेगी हजरत अबू बकर कहन लगे उमर तेरे कोल की दलील है कि नबी पाक जिंदा ने सब तो पहला वहाबी मेरा अबू बकर सिद्दीक है दलील मंगी है कि नहीं बोलो ते हजरत अबू बकर आंदे ने मन कान मिन कुम या बुद मुहम्मदन और सहीहुल बुखारी दे अल्फाज मन कान मिन कुम या बुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कदमात फरमाया ओए लोगो जेड़ा मुहम्मद दी पूजा करदा सी जिदा रब मुहम्मद सी फड़ वी सामा ध्यान इधर कर की सुते फ्रंट सीट पर सोना मना है फरमाया मन कान मिन कुम या बुदु मुहम्मदन फाइन्ना मुहम्मदन कदमात जेड़ा मुहम्मद दी इबादत करदा सी उहदा रब फोत हो गया ते नाल ही मेरे अबू बकर मिंबर ते चढ़ जांदे ने ते चढ़ के कुरान दी आयत पढ़ी है केड़ी वा मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रसूल ए कुरान मैं जुबानी भी पढ़ सकना वा पर इस वास्ते कुरान तो पढ़ रहा वा ताकि तुहानू पता चले वाकई कुरान पिया पढ़दा है वा मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रसूल आफा इम्माता औ कुतिलन कलब तुम आला आगा बिकुम वा मैयन कालिब आला आकी बई है फलैया जुर्रल्लाह शैया
वसाया जिला उषा केरी फरमाया मुहम्मद अल्लाह दे रसूल सन ते जिवें पहले नबी आए ने वे आमिना दे लाल भी आए ने जिवें पहले नबी दुनिया तो चले गए वे आमिना दे लाल भी दुनिया तो चले गए। अगले दिन एक मौलवी साहब लगे सन नबी पाक का जनाजा था मस्जिद नबी भर गई फुल हो गई और मैं क्या उल्लू दे पट्ठे नूं दसो नबी का जनाजा तो होया ही नहीं बारी साहब नबी का जनाजा तो होया ही नहीं क्यों नहीं होया और पिंड आ लियो एक सहीहुल बुखारी मुतरजम घर लिया के रख लो अपने ते एक तर्जमे वाला कुरान रख लो तर्जमे वाला कुरान पढ़ लो ते सहीहुल बुखारी का मुतालिया करिया करो तर्जमे वाली का आ मेरे मुँह ते हाथ इंशाला तुसी अद्धे आलम दीन बन जाओगे। आ नबी का जनाजा नहीं होया क्यों नहीं होया जनाजा वह पढ़ाता है जिहड़ा मैयत तो अफजल होए मैयत तो अफजल होए ये गल मैनू समझ आई है ते नबी तो अफजल दुनिया च है ही कोई नहीं जनाजा किन्ने पढ़ाना सी अल्लाह इन्हों उल्लू बाटियां नू ये नहीं पता कि नबी का जनाजा भी होया कि नहीं होया। अगे चलीए नबी दी तीन दिन मैयत पई रही है पीर मंगल बुद्ध तीन दिन दस दस सहाबा आंदे सन ते उते सूरत फातिहा पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के ते अगे वधदे जांदे सन तीन दिन मैयत पई रही ते तिना दिनों तो बाद नबी पाक नू फजल बिन अब्बास हजरत अली जिन्हां नू मौला अली कहा जाता है और हजरत जैद के बेटे जो नबी दे गुलाम सन इन्हां दे बेटे उसामा इन्हां तीन बंदियां ने गुसल दिता इन्हां तो इलावा किसी ने गुसल ही नहीं दिता किसी और गुसल नहीं दिता ये तीन बंदे अगर बदे इन्हें गुसल दिता है। अल्लाह अकबर और आइए अगे चलीए आका फो तो ये बिलाल ने समान सिर ते रख लिया इधरों सहाबा आ रहे ने ते अम्मा जी ऐशा ते अम्मा जी फातिमा खड़िया ने ते अम्मा जी फातिमा आंदिया ने हजरत अनस नू आंदिया ने वे अनस बिलाल नबी दे हो यारो फिर कह दियो वे अनस बिलाल नबी दे हो यारो तुसी नबी किथे छड़ आए ऐसे सोने मुखड़े ताई अंदर खाक छुपाए तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना गोल गमान दे फिर दसो क्यों यार यारानू अंदर खाक छुपान दे हजरत अनस रोंदे रोंदे की आंदे ने वस ना रह गया कुछ भी साडे ते वरत गईया तकदीरां होश हवास गुम हो गए साडे ते भुल गईया तकरीरां साडे होशो वास रे ही नहीं मेरे बिलाल ने सिर ते समान रख लिया। अबू बकर कहन लगे बिलाल किथे चलें हजरत बिलाल आंदे ने मैं उस शहर च मदीने च नहीं रहना जिथे आज तो बाद मैनू आमिना दलाल मुहम्मद नजर ही नहीं आना। अल्लाह अकबर केंदा बिलाल रातां कालियां आईया ने कह दियो सुभान अल्लाह केंदा बिलाल रातां कालियां आईया ने टुर गया सोना ते पईयां जुदाइयां ने जिन्ना दी खातर मैं मारां ओ खाइयां ने ओ सोना चन्न दिसदा नहीं ए सहाबा दा किरदार बन गया है। कोई सहाबी मदीना छड़ के जा रहा है मैं पढ़ रहा सा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला नो खेती बाड़ी करन गए ने ते नबी पाक दी वफात दा जो सुनिया ना एडी उच्ची चीख मारी अखां दी बिनाई जाया हो गई सहाबा कहन लगे अब्दुल्ला अखां दी बिनाई गवा ली आ कहन लगे मैनू उन्हां अखां दी लोड़ ही नहीं जिन्हां नू अज तो बाद आमिना दा लाल मुहम्मद नजर नहीं आना। लोगो ए जे 12 रबीउल अव्वल मेरा सलाम है आखिरी गल मेरी खत्म हो चुकी है
ये 12 रबीउल अव्वल मदीने की जे जो सहाबा ते गुजरी हूँ ये नाल तुसी अपना आप की वो आंदे ने कंपैरिजन की समझ आती इंग्लिश की कि नहीं नहीं आती मेरे हाँ ये नाल अपना मुआजना कर लो मुकाबला कर लो मुआजना कर लो क्या साड़ी 12 रबीउल अव्वल इंज दी है। और नबी पाक ने सोमवार का तो जुमेरात का रोज़ा नहीं छड़िया पूरी जिंदगी क्यों नहीं छड़िया फरमाया मैं सोमवार को पैदा होया सोमवार को पैदा होया तो जिस दिन पैदा होया उस दिन रोज़ा रखना तो मज़ा तो ता सी ना जे 12 रबीउल अव्वल को सारे रोज़ा रख दे बोल दे नहीं यार इंशाल्लाह अगले साल रखना है हाथ चुक के वादा करो। एक गल याद रखना जिस दिन ईद हो रोज़ा नहीं होंगे जिस दिन रोज़ा हो ईद नहीं होंगी गल दी समझ आ रही कि नहीं ईद वाले दिन रोज़ा किदा होंगे शैतान का तुहानू लोग शैतान भी कहणगे लेकिन लोगों की गल्लां की फिक्र नहीं करनी आमीना दे लाल की हदीस की फिक्र करनी है आमीना दे लाल की गल की फिक्र करनी है। लोगो एक क्यामत बरपा हुई सी मदीने के अंदर 12 रबीउल अव्वल के दिन वक्त काफ़ी उत्ते हो गया जिन्ना मैनू मिलिया सी एक घंटे का तकरीबन वक्त मिलिया सी तो पता नहीं ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल नाल। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह जो सुनया जो सुनाया कबूल फरमाए और जिस भाई ने प्रोग्राम करवाया अल्लाह उहदे वालिद दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए जन्नत दा बगीचा बनाए। खरी इमानुल्लाह साहब इंशाल्लाह दुआ करवाणगे सब भाई भाई यार दुआ करके जाया जे कोई बंदा भी दुआ तो बगैर ना जाए खाना भी तैयार लै ये गल तो पहले दसनी सी तकरीर 'च।